भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए अमरीकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमरीका के रक्षा मंत्रालय ने विरोधी देशों से निपटने के लिए प्रतिबंध कानून CAATS के तहत रूस पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस कानून की धारा 231 के तहत रूस से रक्षा सूचना क्षेत्रों के अलावा बड़े लेन देन करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। विदेश सचिव विजय गोखले और रक्षा सचिव जी मोहन कुमार ने पिछले महीने अपनी अमरीकी यात्रा के दौरान इस बारे में अपनी चिंताओं को जाहिर किया था। भारत की इन चिंताओं पर अमरीका के उपरक्षा मंत्री फेल्टर ने कहा कि हम भी इसको लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इन प्रतिबंधों का निशाना रूस है, ना कि भारत। बता दें कि भारत और रूस के बीच $4.5 अरब मूल्य की 5 S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को खरीदने के लिए बातचीत अंतिम दौर में है और इसकी डिलीवरी भारत को इस साल के अंत में होने के आसार हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस से S-400 रक्षा मिसाइल खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगाना योग्य कार्रवाई है, क्योंकि यह इतना घातक हथियार है कि इसको लेकर नाटो के देश पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं।